गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विकास शर्मा फ्रॉम टोक्यो। टुडे आवर टॉपिक इज पेरीमीटर एंड एरिया। हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। आज हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर को, किसको करेंगे? पेरीमीटर, हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। जैसे मेरी फर्स्ट फिगर है स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता क्या है? सबसे पहले आप देखें, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, तो आपको ये याद रखना है पेरीमीटर जब भी नाम आता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री। पेरीमीटर से क्या मीन्स है? बाउंड्री। जितनी इसकी टोटल बाउंड्री होगी, जितनी इसकी टोटल बाउंड्री की मेजरमेंट होगी, वो इसका पेरीमीटर होगा। तो इसकी कितनी साइड है? फोर साइड है। तो फोर साइड अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है 2 2 2 2 सेंटीमीटर एक स्क्वायर की साइड से, तो मैं इसकी बाउंड्री, मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है कि इसकी बाउंड्री को हम जब कवर करते हैं, किसी भी फिगर की बाउंड्री को हम जब कवर करते हैं, तो हम उसको क्या फाइंड कर लेते हैं? पेरीमीटर। अब मैं इसको यहाँ से चलता हूँ 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो इसका कितना हुआ पेरीमीटर? 8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए, अभी मैं स्क्वायर की बात करूंगा। स्क्वायर ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, तो जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को हर एक बच्चा जानता है, ऑल साइड्स आर इक्वल मेजरमेंट। तो सपोज सारी साइड कितनी है? 8 है। सारी साइड्स कितनी हैं? ए। जब इसकी सारी साइड ए हैं, सपोज ए सेंटीमीटर है सारी, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 1 2 3 4, तो 4 ए। एक ए ये है, दूसरा ये, 3 ए 4, तो कितना आया? 4 ए। या मैं लिख दूँ 4 इंटू, इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन होगा, 4 इंटू ए क्या है? ए इसकी एक साइड है, 4 इंटू साइड। तो इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें पता चला कि एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना होता है? 4 इंटू साइड। कितना हुआ? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया? 4 इंटू साइड। एक बार वो देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, इस फिगर का क्या नाम है? स्क्वायर, क्योंकि इसके ऑल साइड कहते हैं इक्वल, तो ये क्या है? स्क्वायर। मैंने फाइंड करा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए ए ए, तो 4। ए क्या है? ए है साइड, ए क्या है? इसकी साइड, तो कितना आया? 4 इंटू साइड। कितना आया? 4 इंटू साइड। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये तो स्क्वायर था 4 साइड का, मैंने सेकंड फिगर ली पेंटागन, जिसकी 5 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 5 साइड। ए ए ए ए, सारी साइड बराबर है। तो मैं अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करूं, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन कितना होगा? 5 इंटू साइड। कितना होगा? 5 इंटू साइड। तो अब आपको बस एक चीज याद रखनी है, ये जो साइड है इसमें बराबर है, पांचों साइड कैसी हैं? बराबर है। किसी भी फिगर की, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेगुलर फिगर। कैसी फिगर बोलते हैं? रेगुलर। तो ये कैसी फिगर है? रेगुलर। स्क्वायर भी क्या है? रेगुलर। अगर मैं हेक्सागन यहाँ पे बनाऊँ 6 साइड का, ये, और इसकी ये साइड में सारी बराबर कर दी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। तो जितनी अगर मुझे रेगुलर साइड्स का, रेगुलर जिसकी साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी रेगुलर फिगर और उसका मुझे पेरीमीटर फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूंगा? जितनी उसकी साइड होंगी,
उनकी मल्टीप्लाई में उसकी एक साइड की मेजरमेंट से कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 5 साइड होती है, और अगर पेंटागन की यहाँ पर एक साइड 2 है सपोज, तो मैं यहाँ पर कितने इनको 5 हो जाए 10 से। अगर हेक्सागन है ये क्या है हेक्सागन, इसका फॉर्मूला क्या होगा हेक्सागन का, क्या होगा पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, मैं रेगुलर फिगर की बात कर रहा हूँ अभी, तो 6 इंटू साइड होगा, कितना होगा 6 इंटू साइड, और अगर इसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, कितना आया 18 सेंटीमीटर, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया रेगुलर फिगर का पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार और रिकॉल करूंगा कि रेगुलर से मीन्स क्या है। अगर किसी भी क्लोज्ड फिगर की, किसी भी क्लोज्ड फिगर की अगर ऑल साइड्स इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे रेगुलर फिगर। तो पहली जो रेगुलर फिगर मैंने बनाई ये क्या है स्क्वायर, उसके बाद में सेकंड बनाई पेंटागन, सॉरी पहले ट्राइंगल बना लेते हैं क्लोज्ड फिगर, पहले मैंने ट्राइंगल बनाया, ये रेगुलर है, ये भी रेगुलर है स्क्वायर, उसके बाद मैंने पेंटागन बनाया, उसके बाद मैंने क्या बना दिया पेंटागन, ये क्या है पेंटागन। तो स्क्वायर यहाँ पर ये रेगुलर फिगर है थ्री साइड का, तो इसके क्या होगा 3 इंटू साइड, क्या होगा इसका फॉर्मूला 3 इंटू साइड, इसका कितना होगा 4 इंटू साइड, इसका कितना होगा पेंटागन का 5 इंटू साइड। और अगर मैं हेक्सागन का लिखूं, अगर मैं हेक्सागन के लिए बात करूं, हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा, कितना होगा आप बताओगे 6 इंटू साइड, हेक्सागन के लिए क्या यूज करेंगे 6 इंटू साइड। ऐसे ही हेप्टागन जो 7 साइड का होता है उसको 7 इंटू साइड लिखेंगे, लेकिन 7 इंटू साइड लिखना कब है, जब उनकी ऑल साइड्स इक्वल होगी, कब लिखना है जब उनकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो आप सभी को पता चल गया होगा जिनकी साइड्स इक्वल रहती है उनका हम क्या करेंगे, उनका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो मैं क्या कर दूंगा 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, 3 टू 6 सेंटीमीटर आंसर। और अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू, अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर 5 इसके 5 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 5 कितना गया 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर इसकी 6 है तो मैं क्या लिख दूंगा 5 इंटू 6, तो कितना जाएगा 30। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूँ एक साइड तो कितना 6 हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कैसे हम रेगुलर फिगर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल, मैंने एक फिगर ली, रेगुलर फिगर ले रहा हूँ, ये मैंने रेगुलर फिगर ली, और ये फिगर की साइड लीजिए कितनी है, इस फिगर की जैसे मैंने साइड गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अगर ये रेगुलर फिगर है और इसकी सीध 10 सेंटीमीटर है, अगर रेगुलर है तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सारी गैप कितने सेंटीमीटर होगी 10 सेंटीमीटर होगी। और अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करूँ, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन ऑक्टागन होता क्या है, 8 साइड की क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं ऑक्टागन, क्या बोलते हैं ऑक्टागन, तो कितना जाएगा बेटा 8 इंटू साइड कितनी है 10, तो कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, इसका आंसर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रेगुलर फिगर के पेरीमीटर फाइंड करते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि इरेगुलर शेप्स जो होती है जिनकी साइड इक्वल नहीं रहती है उनके हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे।
आज मैंने आपको फॉर्मूला, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो रेगुलर फिगर है, स्क्वायर के अंदर कितनी साइड है? चार। आप बोलोगे 4 × साइड। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड है? पांच, तो आप बोलोगे 5 × साइड। हेक्सागन के लिए 6 × साइड। 7 साइड का जो हेप्टागन होगा उसके लिए बोलोगे 7 × साइड। और जो ऑक्टागन 8 साइड का होगा उसे आप बोलोगे 8 × साइड। तो ये सारी फिगर आपको बहुत अच्छे से, इनका पैरामीटर फाइंड करना आप सभी को बहुत अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, और आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ।